नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। सैपऊ पंचायत समिति के गांव सिंघोरा में माननीय न्यायालय के आदेशों की खुले में अवहेलना हो रही है। यह अवहेलना किसी आम आदमी द्वारा नहीं हो रही, ये अवहेलना कर रहा है स्वयं स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। सिंघोरा गाँव में जल भराव की समस्या है। इस समस्या से बचने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा नाले के पानी को श्री भगवान के निजी खेत खसरा नंबर 327 में निकाल दिया जाता है। श्री भगवान के अनुसार उसके द्वारा किए गए केस की सुनवाई करते हुए सिविल न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने नाले के निर्माण न कराए जाने को लेकर स्थगन आदेश है, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा बार बार नाले का पानी श्री भगवान के खेत खसरा नंबर 327 में छोड़ दिया जाता है। अब जबरदस्ती प्रार्थी का खेत खसरा नंबर 327 में नाले का निर्माण कराया जा रहा है। श्री भगवान ने स्थानीय प्रशासन के उच्च अधिकारियों से इस नाले के निर्माण को तत्काल रोककर माननीय न्यायालय के स्थगन आदेशों की पालना करने की गुहार लगाई। अब सवाल ये उठता है, जब प्रशासन ही न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करेगा तो आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। समस्या ये है कि गांव सिंघोरा में नाले के पानी का विवाद काफी समय से चल रहा है और न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय के यहाँ से स्थगन जारी हुआ है कि खसरा नंबर 327 में किसी प्रकार नाले की निकासी नहीं की जा रही है। स्थगन आदेश की कॉपी विकास अधिकारी को, सर प्रशासन के सभी अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। बावजूद उसकी प्रशासन जानबूझ करके खसरा नंबर 327 में नाले के पानी को पटक रहा है और जबरदस्ती नाला खुदवा रहा है और मौके पर कंस्ट्रक्शन कार्य भी शुरू करा दिया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के स्टे का बिल्कुल उल्लंघन है, जबकि वास्तविकता ये है कि मनिया वसीनवा रोड के उत्तर दिशा में किसी प्रकार की कोई आबादी नहीं है। बिना आबादी के उत्तर दिशा में नाला निकाला जा रहा है, जबकि सही स्थिति ये है कि मनिया वसीनवा रोड के दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर नाले के पानी की निकासी चाल की बुलिया तक कराया जाना न्याय संगत है, लेकिन प्रशासन किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि कुछ नाला रोड के दक्षिण दिशा में ही आधा बना हुआ है, पहले से ऑलरेडी पक्का बना हुआ है, लेकिन उसको भी नजरअंदाज करते हुए उत्तर दिशा में निकाल रहे हैं, जबकि दक्षिण दिशा में रोड के में जो नाला आधा बना है उसको आगे खुदवा करके पानी को व्यवस्थित तरीके से नहीं निकाला जा रहा है। सरेआम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ये है कि इनको न्याय मिलना किसी तरह से कोई उपलब्ध नहीं होता दिख रहा है। दो बाइक की टक्कर में शुक्रवार रात बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री में शिफ्ट इंचार्ज के पद पर तैनात था। वह ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। पुलिस ने शनिवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया, हादसे में राकेश त्यागी उम्र 58 पुत्र लक्ष्मी चंद की मौत हो गई। देर रात ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में मेला ग्राउंड के पास सामने से तेज गति से आ रही दूसरे बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में फैक्ट्री के शिफ्ट इंचार्ज की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर जाकर शव को मॉर्चरी में रखवाया। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। थाना प्रभारी ने बताया, दूसरे बाइक के नंबर से पहचान की गई, जिसकी तलाश के लिए परिवहन विभाग को सूचना दे दी गई। मृतक के परिवार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करवाया गया। कोरोना में दो साल से बंद राजस्थान रोडवेज की 4 बसों को रविवार सुबह 5 बजे से शुरू किया जाएगा। नई बसों में 2 बस दिल्ली, 1 बस उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, 1 बस जयपुर के लिए शुरू की गई। पहली बस सुबह 5 बजे धौलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद सुबह 10:30 बजे दिल्ली से वापस धौलपुर आएगी। दिल्ली के लिए ही दूसरी बस दोपहर 2 बजे रवाना होकर वापस 9 बजे धौलपुर पहुंचेगी। धौलपुर डिपो के समय पालक रजनीकांत शर्मा ने बताया, तीसरी बस दोपहर 1:45 पर फर्रुखाबाद के लिए रवाना होगी। 10 बजे फर्रुखाबाद चलकर धौलपुर वापस लौटेगी। रोडवेज की नई बसों में 4 बस सुबह 6 बजे जयपुर के लिए शुरू की गई है। शाम 7 बजे बस हिंडौन करौली होकर वापस धौलपुर आएगी, क्योंकि जयपुर जाने वाली बस करौली गंगापुर लालसोट होकर जयपुर पहुंचेगी। रोडवेज के समय पालक रजनीकांत शर्मा ने बताया, फिर से शुरू की गई बस 2 साल पहले हर दिन चलती थी, कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था। दिल्ली फर्रुखाबाद जयपुर के लिए बढ़ती यात्री दबाव को देखते हुए 2 साल बाद रविवार से नई बसों को शुरू किया जा रहा है। अमावस्या भोजन समिति धौलपुर द्वारा हर बार की तरह से शनिश्चरी अमावस्या पर साधु महात्माओं जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई सिटी कोतवाली के माध्यम से बैठाकर भोजन कराने के साथ कंबलों का वितरण किया गया। ANULM के अशोक मिश्रा ने कहा, अमावस्या भोजन समिति बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है।
समिति के सदस्य रवि शिवहरे ने बताया, अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। आयोजन माह की हर अमावस्या पर साधु संतों जरूरतमंदों को बैठाकर खीर पूरी सब्जी मिष्ठान का भोजन कराया जाता है। इस बार सर्दी को देखते हुए कमेटी के सभी सदस्यों की इच्छानुसार कंबलों का भी वितरण किया गया। ग्राम पंचायत हिनोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलपुर में ट्रैक सूट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नागेश कुशवाहा प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति धौलपुर रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता राम सेवक प्रधानाचार्य जी ने की। विशिष्ट अतिथि प्रताप कुशवाहा सरपंच हिनोता रहे। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि द्वारा छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट का वितरण किया गया, जिन्हें पाकर स्कूल के छात्र छात्रा बेहद खुश नजर आए। छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही कहा, हम पंचायत समिति धौलपुर के विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। सरपंच प्रताप कुशवाहा ने कहा, हमें खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जिससे आपस में भाईचारे की भावना विकसित होती है। इस मौके पर भामाशाह, विमल कौशिक, केदारनाथ कौशिक, विनोद कौशिक, भारती बंसल, अजीत सिंह व छात्र छात्राएं अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर बाड़ी SDM राधेश्याम मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा के निर्देशानुसार बाड़ी में जगह जगह कैंप लगाकर वैक्सीनेशन करवाया गया। आने वाली तीसरी लहर को आसानी से निपटाया जा सके, लोगों को जागरूक किया गया कि वहां अपना प्रथम व दूसरा डोज लगवाएं। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। आज कोरोना वैक्सीनेशन कैंप अग्रवाल धर्मशाला UPS गुमट स्कूल रेलवे फाटक कुशवाहा धर्मशाला परशुराम धर्मशाला अंबेडकर पार्क निम्न जगहों पर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। 100% वैक्सीनेशन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें। आज बाड़ी धर्मशाला में लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समाज सेवी कान्हा शर्मा, अंशुल गर्ग, सुलभ वर्मा, पूजा संजना आदि कई लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, जिसमें अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में 10 को वैक्सीन 99 कोविड सीड लगवाई गई। कैंप में ANM अंगुरी देवी, वेरी फायर शंकेश चंद, सौरिया राघवेंद्र जाट, राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आज दोपहर करीब 1 बजे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर जोरगढ़ी गांव के पास एक कार और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से स्टाफ जनक सिंह, सत्येंद्र सिंह, नरसिंह स्टाफ, भूदेव शर्मा ने धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां हालत गंभीर होने पर उसका इलाज जारी है। पहली युवक सोनू पुत्र खुशीलाल, जाति ब्राह्मण, उम्र लगभग 25 साल, जो कि सरमथुरा उपखंड के मदनपुर पंचायत के भोहारी गांव का रहने वाला है, अपने किसी कार्य को करके गांव की तरफ लौट रहा था। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। चंदसौरा गांव के पास नेशनल हाईवे 123 पर आवारा जानवर से टकराकर बाइक सवार दो युवक घायल हुए हैं। दोनों घायल युवकों को सैपो अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार अंकुर चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह चौहान निवासी अंबा मध्य प्रदेश, उसका साथी लोकेंद्र सिकरवार पुत्र अजब सिंह सिकरवार निवासी अंबा, दोनों बाइक पर सवार होकर अंबा मध्य प्रदेश से जगनेर उत्तर प्रदेश किसी मंदिर पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी चंदचौरा गांव के पास आवारा जानवर से बाइक टकरा गई, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हुए। मौके पर हुई राहगीरों की भीड़ द्वारा NHAI एम्बुलेंस 1033 को सूचना दी गई। एम्बुलेंस के पायलट धर्मेंद्र चौधरी, EMT संजय शर्मा द्वारा दोनों घायलों को जयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार जारी है। बसई नवाब क्षेत्र में सिंघोरा कापुरा के समीप मनिया बसई नवाब सड़क मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक अरमान उर्फ तालिफ पुत्र शबीर खान निवासी नगला हरलाल सड़क किनारे खड़ा था। बताया गया, बसई नवाब की ओर से जा रहे एक बाइक चालक ने अपना संतुलन खोते हुए सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक के हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई। राहगीरों की ओर से घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर पहुंचाया, जहां डॉक्टर दीपक शर्मा की ओर से घायल युवक का प्राथमिक उपचार करते हुए उसके पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका को लेकर जिला अस्पताल भेजा। राजौरा खुर्द गांव के पास बाइक फिसलने से दंपति घायल हुए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 द्वारा CHC सेपऊ पर भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार शोभाराम कुशवाहा निवासी तातपुर अपनी पत्नी गुड्डी के साथ अपनी बहन के यहां कस्बा सेपऊ जा रहा था, तभी राजौरा खुर्द गांव के पास बाइक फिसलने से दंपति घायल हो गए। घायल दंपति को एम्बुलेंस 108 द्वारा सेपऊ CHC पर भर्ती कराया गया, जहां से महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। सरमथुरा उपखंड के डोमई गांव में शुक्रवार की देर रात 10 बजे के करीब छप्पर में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया, जिसमें छप्पर समेत घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग से छप्पर के नीचे बंद रही भैंस के शरीर में भी गंभीर रूप से चोट आई है। घटना की सूचना पर आसपास के गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। पीड़ित महेश कौली ने घटना की सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दे दी,
जिसमें पुलिस घटना की जांच कर रही है। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। शनिवार के दिन सैपऊ के रजौरा खुर्द गांव के पास बाइक पर सवार दो मौसेरे भाई नेशनल हाईवे 123 की सड़क पर आवारा जानवर से टकराकर घायल हुए हैं। तभी रागिरों की सूचना पर पहुंची एनएचआई एम्बुलेंस के द्वारा पायलट धर्मेंद्र चौधरी तथा ईएमटी संजय शर्मा की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपऊ पर पहुँचाया है। जानकारी के मुताबिक इतवारी लाल पुत्र पूरन सिंह जाति हरिजन तथा उसका मौसेरा भाई वीरेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश कागारोल बाइक पर सवार होकर रूपवास रिश्तेदारी में से लौट रहे थे। तभी अचानक रास्ते में सड़क पार कर रहे आवारा जानवर से बाइक टकरा गई, जिससे दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हुए हैं। शनिवार के दिन एसपी केसर सिंह शेखावत ने कोलारी व सैपऊ थाने का निरीक्षण किया है। कोलारी पुलिस थाने पर पहुंचे एसपी केसर सिंह शेखावत ने थाना अधिकारी नरेश पोसवाल के साथ वार्ता करते हुए लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं एसपी की ओर से रिकॉर्ड रूम सहित मालखाना का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान एसपी शेखावत ने थाने पर उपस्थित सभी सीओ को पेंडिंग मुकदमों को लेकर जानकारी जुटाई और शीघ्र ही सभी फाइलों के निस्तारण करते हुए मामलों का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान सकवारा चौकी प्रभारी नवल सिंह मीणा, बसई नवाब चौकी प्रभारी राजवीर सिंह मीणा सहित पुलिस स्टाफ के जवान मौजूद रहे। वहीं एसपी शेखावत की ओर से शाम को कोलारी के बाद सैपऊ थाने पर पहुंचे, जहां थानाधिकारी परमजीत सिंह पटेल से भी लंबित मामलों को लेकर आदेश दिए हैं। रजौरा खुर्द माइनर पिछले 4-5 दिन से बंद है। सिंचाई के लिए पिछले कई दिन से पानी नहीं मिलने के कारण किसानों ने आक्रोश जताया है। किसानों का आरोप है कि वे सिंचाई के लिए नहर में पानी आने को लेकर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। शनिवार को आक्रोशित किसानों के द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर किसानों ने बताया कि आलू गेहूँ और सरसों की फसल को सिंचाई की इस समय बेहद आवश्यकता बनी हुई है, लेकिन नकारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा माइनर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते उनकी सारी फसल सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है। मामले को लेकर पंचायत समिति सदस्य दिनेश सिंह परमार ने बताया कि यदि किसानों को शीघ्र ही पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह जल संसाधन विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे। यहाँ माइनर पर 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा, किसान पूरी तरह से त्रस्त है और इनकी जो फसल है वो पानी की ज़रूरत है, और ये यहाँ आते हैं और इस माइनर को देख करके यहाँ से चले जाते हैं। इसमें 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा, पूरी तरह से इनकी फसल पानी के लिए लालायित है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं इनके कान तक जू नहीं रेंग रही। न जेईएन न ईएन इनकी कोई सुनवाई नहीं करता, वो अपने ऑफिस से नहीं निकलते, कभी वो माइनर देखने नहीं आए, ना कभी यहाँ पानी छोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। पूरी तरह से किसान परेशान है, और मुझे आज पहली बार पता चला तो मैं यहाँ आया और मैंने देखा है वास्तव में इनकी जो शिकायत है वो सराहनीय योग्य है, और इस बात की जेईएन ईएन को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर भी इनका प्रयास करेंगे, लेकिन वो नहीं जागे तो सिंचाई विभाग का घेराव करके इनका प्रदर्शन है वो किया जाएगा। जिसका क्या परेशानी, 4-5 दिन आते नहर ना आ रही, हमारे तो आगे खेत पर गए हैं, सब सूख रहे हैं, ने कहा तो आवा तो पीछे रोका फोका डाल लेते हैं, अब ये भाई सिंचाई करवा करते हैं सुनवाई को कतना ना कर्मचारी जहाँ आए के नहीं परेशानी जी है कि वहाँ कहवे जाओ तो बेजो कहते अड्डन टोरवाऊ और अड्डन टोरवे जाओ तो रट्टो कर ले बनते जी, परेशानी है यहाँ 5 दिन से ज़्यादा नहर नहीं आ रही है, परेशान है सब। 35-35 दिन के गेहूँ हो गए, सरसों हैं और आलू में पानी लगा है, देख देख के लौट जाते हैं किसान, सब परेशान है। वहाँ जाते हैं तो वो बोल देते हैं नहर फूट गई है और नहर नहीं आ रही, 4-5 दिन से परेशान है सब। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।